और ये 5000 साल पुराना विज्ञान है, तो इसे अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको किसी से डिस्कस नहीं करना है, ना किसी से शेयर करना है, आप खुद को बहुत सरलता से ठीक कर सकते हैं, आपकी फर्टिलिटी बूस्ट होगी और आप एक बहुत ही खूबसूरत और डायनेमिक लाइफ जी सकेंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब सहेली चैनल में। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। कौन से ऐसे छुपे हुए लक्षण हैं जो लगभग बहुत सारे लोगों में कॉमन होंगे लेकिन आपने उसका आज तक आइडेंटिफाई नहीं किया होगा? बड़ी ही गंभीर बात है, बड़ी ही कॉमन बात है, लेकिन जितने भी कपल गर्भधारण की तैयारी कर रहे हैं उनमें से 29% को ये प्रॉब्लम है, इसीलिए ये विषय जानना जरूरी है। आइए उन लक्षणों को समझते हैं। क्या आपको स्लीपिंग डिसऑर्डर है, रात को नींद नहीं आती आपको? क्या आपको ईटिंग डिसऑर्डर है? क्या आपके चेस्ट में हैवीनेस रहता है या फिर आपके शोल्डर में या नेक में पेन रहता है, बराबर बराबर आपको हेडेक रहता है? आपको स्किन प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुकी है, गर्भधारण की तैयारी कर रहे हैं लेकिन लिबिडो बहुत लो है? ये सारी चीजें दर्शाती हैं कि आप स्ट्रेस की कंडीशन में हैं, क्योंकि कई बार हम खुद से मानते हैं कि हम ठीक हैं, हमारा रूटीन बिल्कुल ठीक चल रहा है, लेकिन क्लिनिकली आप ठीक नहीं होते हैं। तो ये लक्षण अगर आपको लगते हैं तो ये वीडियो आपको देखना, जानना, समझना और फॉलो करना भी बहुत जरूरी है। आज की वीडियो में हम बताएंगे कि स्ट्रेस को आयुर्वेदिक तरीके से, होम रेमेडी से किस तरीके से आप टैकल कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर हम स्ट्रेस में हैं, इसके लिए हम किसी से बात नहीं कर पाते। क्या कहें कि हम स्ट्रेस में हैं, आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, आपकी मदद केवल आप खुद कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि स्ट्रेस को कैसे भगाएं। फ्रेंड्स, आयुर्वेद में स्ट्रेस को दूर करने के लिए ब्रेन टॉनिक के फॉर्म में बहुत अच्छी अच्छी हर्ब्स हैं और उन हर्ब्स का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन मैं आपको सजेस्ट करूंगी, जो है सुनोवा का एंटी स्ट्रेस कैप्सूल। अब इस कैप्सूल में क्या है, क्या आयुर्वेदा का फॉर्मूला है? सबसे पहली चीज है अश्वगंधा, जो कि आपके पूरे बॉडी को टोन कर देती है, ब्रेन को, फर्टिलिटी को, पूरे बॉडी को बहुत अच्छे से टोन करती है, ब्रेन फंक्शन इंप्रूव करती है अश्वगंधा। इसके बाद में है ब्राह्मी, जिसको कि दिमाग का ही टॉनिक कहा जाता है। ब्राह्मी सिर्फ बच्चों को दिया जाता है जो स्टूडेंट होते हैं, उनके ब्रेन फंक्शनिंग के लिए, कॉग्निटिव एबिलिटीज को बढ़ाने के लिए। तीसरी गोट गोला इसके अंदर है, पीपराइन इसके अंदर दिया गया है डाइजेशन को इंप्रूव करने के लिए, उनके बहुत अच्छे एब्जॉर्प्शन के लिए। तो ये परफेक्ट ब्लेंड है स्ट्रेस को दूर करने का, जो कि आपके लिए सबसे ज्यादा मददगार है अगर ये लक्षण आपको दिखाई दे रहे हो। फर्टिलिटी में प्रॉब्लम है, आप इनफर्टिलिटी झेल रहे हैं, तो आप इसको ले सकते हैं। अश्वगंधा एक ऐसा हर्ब है, ना केवल आपके स्ट्रेस को दूर करता है फिजिकल और मेंटल, बल्कि फर्टिलिटी को भी इम्प्रूव करता है। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो आपने अश्वगंधा पर भी मेरा वीडियो जरूर देखा होगा और उसके इफेक्ट को समझा होगा। तो आप गर्भधारण की तैयारी में इस एंटी स्ट्रेस कैप्सूल को यूज कर सकते हैं। ये वेजिटेरियन है, बहुत इजी है लेना, दिन में 2 बार लेना है, आप चाहें तो रात को केवल 1 बार भी लेके ट्राई कर सकते हैं। बहुत सारे व्यूअर्स का क्वेश्चन होगा कि हम इसे कैसे लें, तो ये ऑनलाइन अवेलेबल है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हम आयुर्वेदिक फॉर्मूला तो ले रहे हैं लेकिन कुछ इफर्ट अगर आप खुद से भी करते हैं तो बहुत जल्दी आप स्ट्रेस से बाहर आ जाएंगे, एक रिफ्रेशिंग, एक एनर्जेटिक, एक डायनेमिक लाइफ आप जी सकेंगे। अब वो 2 चीजें क्या है? पहली चीज है डाइट। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हमें कुछ ना कुछ मील लेते हैं, हम सभी लेते हैं, तो उसको आप कैसे बेहतर बनाएं कि स्ट्रेस दूर चला जाए? तो बहुत आसान सी चीजें हैं अपनी डाइट में शामिल करने के लिए, कि अगर आप स्ट्रेस में हैं तो सबसे पहले आपको ध्यान देना कि डाइट में प्रोटीन बढ़ाना है। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो उसके भी अनेकों ऑप्शन हैं, और नॉन वेजिटेरियन हैं तब भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, लेकिन आपको अपनी डाइट में प्रोटीन जरूर शामिल करना है। प्रोटीन के तौर पे आप भुने चने खा सकते हैं। हो सकता है कि आप वर्किंग हो और घर में ना रह पाते हो, तो आपके पास एक्सक्यूज हो कि हम पूरे टाइम घर में नहीं रहते, हम कैसे अपना डाइट ठीक करें। तो भुने चने या फिर चने का सत्तू आप अपने पास रख सकते हैं, कभी भी उसका ड्रिंक बना के पी सकते हैं। भुने चने को आप गुड़ के साथ खा सकते हैं, हल्की फुल्की भूख में भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वो बहुत ही अच्छा वेजिटेरियन सोर्स है। इसके अलावा स्प्राउट्स है, पनीर है, कर्ड या योगर्ट ले सकते हैं, ब्रोकली है, कई फल हैं जिनके अंदर प्रोटीन पाया जाता है, सीड्स एंड नट्स ले सकते हैं। तो अपनी डाइट में लगभग हर ग्रुप का, हर कैटेगरी का कुछ फूड आपको रखना चाहिए, जिससे कि एक संतुलित तरीके से आपको न्यूट्रिशन मिले, कार्ब्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल्स, सारी चीजें आपको मिले, क्योंकि डाइट ही तो आपको अंदर से मजबूत बनाता है। अब बात आती है कि हम डाइट भी ठीक ले रहे हैं तो दूसरी और क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा अपने कम्फर्ट जोन में से आप बाहर निकले। आप ऑफिस जाते हैं, घर आ जाते हैं, या फिर आपका काम घर से ही, आप घर में ही रहते हैं, एक फिक्स माहौल में आप रह रहे हैं, तो उससे बाहर निकले किसी ऐसी जगह पे जाएं जहां ग्रीनरी हो। जब भी हम
स्ट्रेस में होते हैं ग्रीन कलर हमें हील करता है। तो आप चप्पल उतार कर अपने फुटवेयर उतार कर ग्रास पे टहल सकते हैं, गार्डन में जाके थोड़ी देर बैठ सकते हैं, वहाँ थोड़ी एक्सरसाइज कर सकते हैं। फिजिकली ज्यादा ना करने का मन हो तो आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। भ्रामरी प्राणायाम आपके तनाव को दूर करने के लिए सबसे इफेक्टिव है और ये 5000 साल पुराना विज्ञान है। तो इसे अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको किसी से डिस्कस नहीं करना है, ना किसी से शेयर करना है, आप खुद को बहुत सरलता से ठीक कर सकते हैं, आपकी फर्टिलिटी बूस्ट होगी और आप एक बहुत ही खूबसूरत और डायनेमिक लाइफ जी सकेंगे। उम्मीद करती हूँ कि अगर आपकी भी ये प्रॉब्लम थी तो आपको आज सोल्यूशन मिल गया है और आप इसे फॉलो भी करेंगे और आपका एक्सपीरियंस क्या रहा वो मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। ख्याल रखें, टेक केयर, बाय।